स्टॉक चिन्नी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं HUL के बारे में। यहां पर हम डिस्कस करेंगे क्या होने वाले हैं इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स, क्या होंगे टारगेट्स एंड क्या स्ट्रेटजी हम लेकर चलें 27 अप्रैल के लिए। तो शुरू करते हैं दोस्तों, बात करते हैं डेली चार्ट बेसिस की। देखिए डिस्काउंटेड प्राइस पर स्टॉक अवेलेबल है। आप देखेंगे स्टॉक ने हाई बनाया था 2857 रुपये का, वहाँ से भयंकर गिरावट स्टॉक ने बनाकर दिखाई। और देखिए अगर आज की क्लोजिंग की बात करते हैं तो 2145 रुपये पर क्लोज होता हुआ स्टॉक दिखाई दिया। देखिए फिर से स्टॉक ने ब्रेकआउट बनाकर दिखाया है, यहाँ से तेज़ी भी देखने को मिल सकती है। तो ऊपर की तरफ नेक्स्ट टारगेट अपना कर चल सकते हैं 2250 रुपये का टारगेट। तो ऊपर की तरफ 2250 का टारगेट रहने वाला है, लेकिन दोस्तों सपोर्ट्स का भी आपको ध्यान रखना है। तो नीचे की तरफ एक सपोर्ट लेकर चल सकते हैं 2100 रुपये का सपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, अगर गिरावट आती है तो और नीचे की ओर लुढ़कता हुआ स्टॉक दिखाई दे सकता है। तो सपोर्ट्स का खासा ध्यान रखें। देखिए इन लेवल्स पर आप चाहें तो बाइंग करके चल सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस लगाकर ज़रूर काम करें, क्योंकि अगर स्टॉक अपने सपोर्ट्स को तोड़ता है और नीचे जाता है तो देखिए दोस्तों भयंकर गिरावट जाते हुए हमें दिख सकती है। लेकिन यहाँ से अच्छी खासी तेज़ी की भी उम्मीद है, तो सपोर्ट्स का खासा ध्यान रखें, बाइंग करके चलें। अगर आपके पोर्टफोलियो में पहले से ही स्टॉक शामिल है, कंटिन्यू होल्ड करके चल सकते हैं। तो यही बताने के लिए हमने वीडियो बनाई थी। यदि आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।